पूजा वाली केसरी में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं उर्वशी और इस वक्त हमारे साथ मैम निशा मौजूद हैं। जो मैम नमस्कार मैम, मैं वैक्सीनेशन के पूरे प्रोसेस के बारे में बताइए, फर्स्ट डोज सेकंड डोज किस तरह से लगाई जा रही हैं? हमारे यहाँ पे स्वास्थ्य केंद्र में 45 प्लस वालों को हम जैसे कि फर्स्ट और सेकंड डोज दे रहे हैं, और पहले जैसे कि हमारे पास पहले लोगों के फर्स्ट डोज लग चुकी थी, हम ज़्यादा उनको फर्स्ट डोज कम लगा रहे हैं, सेकंड को हम कंप्लीट कर रहे हैं। अभी पहले जिनको लगी हुई है पहले हम वो कंप्लीट करें, उसके बाद ही जिसको हमने फर्स्ट डोज लगानी है उसका स्टार्टिंग करें। और जैसे कि आज हमने अपने स्वास्थ्य केंद्र में 150 जनसंख्या वाले लोगों को 150 को लगाई है हमने, उसमें से फर्स्ट भी लगाई है और ज़्यादातर हमने सेकंड डोज का ही वो किया है। मैम रजिस्ट्रेशन वाले ही सिर्फ वैक्सीनेशन लगवाने के लिए ज़्यादा आ रहे हैं या फिर सिर्फ आधार कार्ड देखकर, या फिर जिनके पहले फर्स्ट डोज लग चुकी है, मैम उसके प्रोसेस के बारे में बताएं, लोग अभी भी कन्फ्यूज़न में हैं इस चीज़ को लेकर। जो हमारे पास जो हमने फर्स्ट डोज लगाई थी तब हमने एक स्लिप दी थी और उस स्लिप के ऊपर हमने लिखा था भी हमने इनको फर्स्ट डोज लगाई है और डेट लिखी हुई है, और हमें जो हम जैसे कोविशील्ड लगा रहे हैं वो वैक्सीन का नाम लिखा हुआ है, वो स्लिप लेके हमारे पास वो लोग आते हैं, तो उसके बाद हम उसके ऊपर ही रजिस्ट्रेशन करके सेकेंड डोज की उसके बाद हम एंट्री करते हैं, और साथ में उनको आधार कार्ड भी लेके आना पड़ता है। मैम वैक्सीनेशन लगने के बाद उन्हें कुछ मेडिसिन वगैरह भी दी जाती है? हाँ जी, हम उनको एक पैरासिटामोल की मेडिसिन देते हैं, दो टैबलेट्स देते हैं, उनको बोलते हैं अभी एक आधे घंटे के बाद ले लें और एक रात को ले लें, उससे काफ़ी मतलब फ़र्क पड़ जाता है, फीवर उसके बाद होता नहीं है। मैम सबसे बड़ी समस्या इस बात को लेकर आ रही है कि वैक्सीनेशन लगवाने के लिए तो लोग ज़्यादातर आ रहे हैं, लेकिन जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा, तो मैम उसके बारे में आप बताएं। उसके बारे में हम क्या बताएं, लोग समझ ही नहीं रहे हैं, लोगों को ऐसे है कि हम इंजेक्शन लगवाएं और जाएं, उनको बिल्कुल भी नहीं, वो ना तो हमारे बारे में सोच रहे हैं और ना अपने बारे में सोच रहे हैं, उनको तो ऐसे है बस हम इंजेक्शन लगवाएं और जाएं। जब हमारा स्टाफ उनको रोकता है भी तुम इतनी भीड़ मत करो, तो वो लोग हमारे पीछे ही पड़ जाते हैं, वो हमें गलत बोलते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं। तो हमारा डिपार्टमेंट के कुछ लोग हैं जैसे हमारे गार्ड वगैरह, हम उनको बिठाते हैं भी एक एक करके हमारे रूम में भेजो, पर लोग नहीं मानते, इसमें ये डावाली के लोग हमारा संयोग नहीं दे रहे, तो काम करने में सबसे बड़ी बाधा इसी चीज़ को लेके आ रही है, इसको लेके बहुत ज़्यादा हमें कठिनाइयाँ आ रही हैं, तो इस चीज़ को देखते हुए हमें बहुत डर लग रहा है, अभी ये लोग समझ नहीं रहे, कल को हमें कुछ हो जाता है तो हमारे बच्चों का क्या होएगा, हम भी बहुत डर रहे हैं, हमारा स्टाफ भी बहुत डरता है इस चीज़ को लेके, पर हम क्या करें, हमारी ड्यूटी है, ये हमारा कर्तव्य है, हमें ये निभाना पड़ेगा। मैम अब वैक्सीनेशन का काम जिस तरह से आप कर रहे हैं, तो अब जो वैक्सीनेशन के कैंप लग रहे हैं उसके लिए आप लोगों को क्या अपील करना चाहेंगे कि किस तरह से वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, क्या वो बना के रखें, और क्या आप अपनी तरफ से उन्हें मैसेज देना चाहोगे अपने स्टाफ की तरफ से? हम तो बस इनको यही कहना चाहते हैं भी जब हमारे ये स्वास्थ्य केंद्र में इंजेक्शन लगते हैं तो हम एक राउंड बना के रखते हैं, राउंड का मतलब है भी जो पेशेंट आ गया अभी जो भी इंजेक्शन लगवाने के वो उसी राउंड में खड़ा हो, जो बाकी जैसे भीड़ हो जाती है वो भीड़ मत करे, वो बाहर खड़े हो जाएं, हमारे स्वास्थ्य केंद्र से बाहर खड़े हों, एक एक करके हमारे पास आए, इससे क्या है इनका भी बचाव है और हमारा भी बचाव है। तो डिपार्टमेंट से क्या मांग करते हैं मैम? अपनी डिपार्टमेंट से हमने क्या मांग करनी है, हमारा डिपार्टमेंट हमारे साथ है, ऐसी कोई बात नहीं है, जैसे भी हम अपने इसको लेके डॉक्टर राहुल हैं तो उनको हम फ़ोन करते हैं, जैसे हमें कोई दिक्कत आती है हम डॉक्टर राहुल को फ़ोन करते हैं, वो हमारी समस्या का हल एक मिनट में वो निकाल देते हैं। इनका जो कैंप लगाया गया था तो आप देख सकते हैं कि लोगों की बहुत अधिक संख्या यहाँ पर मौजूद है, लेकिन किसी ने भी जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया हुआ है, सरकार अपनी जो भूमिका है वो बखूबी निभा रही है, और यहाँ पर जो स्काउट लगाए गए हैं और पुलिस प्रशासन के कुछ अधिकारी लगाए गए हैं, लेकिन फिर भी लोग उस बात को समझ नहीं पा रहे हैं। एक तरफ तो कोरोना वायरस ने पूरी तरह से पूरे देश को ग्रस्त किया हुआ है और इतने जो भयानक आंकड़े देखने को सामने आ रहे हैं, लेकिन उसी तरह से लोग अपनी जो अवेयरनेस है उसका पालन नहीं कर रहे हैं और लाइन बनाकर नहीं खड़े हो रहे हैं, झुंड बनाकर खड़े हो रहे हैं। तो इस तरह से वैक्सीनेशन लगवाने से भी कोई फ़ायदा नहीं होगा अगर वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करेंगे। बहुत सारे ऐसे जो बुज़ुर्ग यहाँ पर मौजूद हैं तो वो अपनी सीनियोरिटी को दिखाते हुए उन्हें इस चीज़ को समझना चाहिए कि सोशल डिस्टेंसिंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोरोना वायरस को वैक्सीन के द्वारा भी हराया जा सकता है, लेकिन अगर इसकी सबसे बड़ी पावर हमारी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन
बैन करना है ताकि चेन टूट सके बीच में से। तो इन एक चीज़ सब जगह जो सिमिलरिटी में देखने को सामने आ रही है वो है कि सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल पालन नहीं किया गया है। कोरोना की जो इतनी बीमारी यहाँ पर फैली हुई है, सबसे ज़्यादा जो फैलने का कारण ये है कि सोशल डिस्टेंसिंग अगर लोग नहीं पालन करते हैं उसका, तो इस वजह से जो कोरोना की जो बीमारी फैलती है। लेकिन आप देख सकते हैं कि लोग यहाँ पर चाहे वैक्सीनेशन में आए हैं वैक्सीन लगवाने के लिए, लेकिन मैं आपको बता दूं कि सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल भी पालन नहीं किया गया है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे किस तरह से झुंड बनाकर लोग खड़े हुए हैं। हाँ, ये बात भी कहने लायक है कि जो प्रशासन है उसे इस बात पर ध्यान देना चाहिए, लेकिन सबसे बड़ी जो जिम्मेवारी बनती है वो लोगों की बनती है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ प्रशासन का ही उसमें पूरा हाथ नहीं होना चाहिए, लोगों को खुद भी अवेयर होना चाहिए इस बात को लेकर। और ये बात तो बार बार टीवीज पे डॉक्टर्स के द्वारा, प्रशासन के द्वारा, हर किसी के द्वारा समझाई जा रही है कि आपको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, लेकिन कोई भी उस बात पर ध्यान नहीं दे रहा है। उसी तरह से झुंड बनाकर लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं, कोई सोशल डिस्टेंसिंग का यहाँ पर पालना नहीं की गई है। लोगों से हमने बातचीत की है तो लोगों का कहना है कि यहाँ पर जो शुरू से लोग लगे हुए हैं लाइन में, सुबह से लगे हुए हैं, लेकिन किसी तरह के कोई जो उन्होंने एंट्री करवाई है उसको लेकर सही से यहाँ पर पालना नहीं की गई है या